जणू एक दूसरे की खातिर बने आपां दोनों जने रे आपां दोनों जने। पोज करो, एक रोड तक जाओ आप, साइकिल आप दो रहे, चार मॉडल खड़ी है, ऑप्शन दे वहां लेगा जानी एक अच्छा। प्रांजल दैया, सपना चौधरी, सोनिका सिंह और अंजलि राघो। छोरी मर गिर तेरी लुक पे रे नई बात को ना रोज मरे से आवे छोरी ने भी कई प्रपोज दिन में रे इतने तो यार इग्नोर करे से रे छोरे खावे से तू वा मन खाने आवे से रे। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दो सुखन रेड्डू। तो दोस्तों, फ्रेम में देखने लग रहे भाई मेरे साथ है मल्टी टैलेंटेड, क्योंकि भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, मॉडल है, तो काफ़ी एडिटर भी कर ले हैं भाई मेरे साथ है बी पारस। तो आप सब जानो भी हो, म्यूजिक दिए है, इस स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ तक बहुत ज़्यादा हिट गाने गए हैं, आपने लाइव सुनाऊंगे भाई जी। तो भाई जी का चैनल पर स्वागत करना, तो बी पारस भाई पहले तो राम राम। राम राम भाई, और सारे स्ट्रगल लाइफ देखने वाले सारे दर्शकों को राम राम। आज जुड़कर भाई जी चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद भाई, आपका भी यहाँ स्टूडियो में स्वागत है। बिल्कुल भाई जी। अच्छा, बात करा फिलहाल, एक गाना आया आपका दिल, जो मतलब जानी मानी फीमेल सिंगर है पंजाब की, गुरले जख्तर, उसके साथ आया है, तो उसके दो बुलाने थे पर उसके ये है ड्यूट सॉन्ग। छोरी मर गिर तेरी लुक पे रे नई बात को ना रोज मरे से आवे छोरी ने भी कई प्रपोज दिन में रे इतने तो यार इग्नोर करे से रे छोरे खावे से तू वा मन खाने आवे से रे तू फालतू की करनी मरोड़ छोड़ दे रे छत्ती आई तेरे जिसी छत्ती आवेंगी यार फालतू में दिल ना किसे ते जोड़ दे। आय हाय क्या बात है, बहुत बढ़िया प्यारी आवाज है भाई जी। अच्छा, एक गाना कुकर के प्लान बनाया था, ये गाना ये मेरे भाई हैं केडी पेटवाड़, और बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं अपने, तो उन्होंने लिखा था ये गाना। तो उनका प्लान था किसी और से करवाने का, मतलब वो डमी रेडी करवाने आए थे, तो मैंने अपनी आवाज़ में, मैं ज़्यादातर गाने कंपोज करता हूँ, तो खुद की आवाज़ में डमी गा के वो करता हूँ सेंड, तो वो सेंड कर दिया। फिर वो सुना, एक दो बार पापा ने भी सुना, तो भाई अच्छा लगा, भी अच्छा गाना है, करना चाहिए, कंपनी से फिर बात करके फिर आगे आगे खुद ही अपन ने प्रोड्यूस कर लिया, खुद ही कर लिया। मतलब गुलेज अख्तर मैम का कुकर के प्लान बनाया, वो फिर कंपनी का प्लान बनाया बाद में, कंपनी ने फिर टी सीरीज कंपनी से डील हुई, उसके बाद फिर सारा प्लान बना भाई ये सिंगर रखेंगे इसमें। मॉडल का क्या रहा, मतलब खुद ही मॉडलिंग कर ली? हाँ, बस ये शुरुआत तो करनी थी मॉडलिंग की, तो गाना भी बढ़िया था, मिल गया गाना, ड्यूट सॉन्ग था, तो वहाँ इसी से करते हैं शुरुआत। क्या बात, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कैसा फील हो रहा है? मतलब पहला है गाना, मतलब मॉडलिंग के रूप में गाया तो आपने पहले भी है, कैसा हिट हो गया? बस अभी आया ही, अभी तो मिल रहा है प्यार बहुत सारा पब्लिक का, बस सभी का धन्यवाद है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। ओके, स्टूडियो में बैठे हैं, स्टूडियो में ने बोला काफ़ी गाने हिट गए हैं, कौन सा गाना था जो पहला हिट गया था? उस टाइम तो अपना हौसला बन गया था, ईब तो मैं एक साइड का सिस्टम बना दिया, मेरे ध्यान नहीं है, पर शुरू के गाने थे जैसे तर्ज पुरानी था, वो भी अच्छा शुरू में नज़रों में आया, एज ए म्यूज़िक की स्टार्टिंग थी, तो सबके नज़र में आया भी हाँ म्यूज़िक में ये भी है। ओके, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे और गाने थे, पापा का गाया हुआ था एक कुर्ती ढिल्ली, सपना चौधरी के साथ था वो, और एक दो गाने और थे, दरोगा जी हैं, ये थे शुरू के, मतलब एग्जैक्ट मेरे को गाना याद नहीं है, काफ़ी सारे दे दिए हैं थे याद नहीं रहूँगे ऐसी बात नहीं, बस वही है एकदम याद नहीं रहते ना, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, म्यूजिक की बात करा भाई, कितने एक साल में आप सीख गए थे और कद स्टार्ट करा था? ये देखो, म्यूजिक का तो ऐसा है, म्यूजिक आप कितना ही सीखते रहो, कोई एंड नहीं है इसका, तो वो तो अभी भी सीख रहे हैं धीरे धीरे, कोई नई चैलेंजेज आ रहे हैं उससे सीख रहे हैं। बाकी मैंने शुरुआत 4-5 साल पहले की थी, तो 1-1.5 साल तक मतलब सीखा, और हाँ सीखा, क्लासेस लगाई, यहाँ प्रैक्टिस की, एक दो सॉन्ग खुद के किए, फिर बाद में खुद के, शुरू में खुद के बहुत सारे सॉन्ग किए, तो ऐसे ऐसे करके एक्सपीरियंस बना, फिर नए नए बंदों से काम किया, पुराने कलाकारों के साथ काम किया, तो सीखने को मिला सबसे, तो यही है, सीखते सीखते फिर आप धीरे धीरे पहुँच गए हैं, थोड़ा सा स्टेबल हो गए हैं। म्यूजिक दिया आपने, ऐसा कौन सा सीनियर आर्टिस्ट आया था म्यूजिक करवाने जो आपकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी भाई अब फंस गया?
मेरा सबके साथ हो जाता था ये तो जो मेरे से बड़े हैं, जो जिनको सुनते आ रहे हैं पुराने टाइम से, और उनके सामने फिर म्यूजिक बनाना, तो सबके साथ ही हो जाता। नर्वस हो जाते हैं? नर्वस अभी भी है, कई कई बार हो जाती नर्वसनेस, बाकी अभी तो काफ़ी ये है कि अच्छा बॉन्डिंग अच्छी हो रही है सबके साथ काम कर करके ना। अच्छा, राइटर कौन सा बढ़िया पसंद, जो जिसके लिरिक्स में जल्दी म्यूजिक बना दो? पसंद तो मेरे फागणा अंकल हैं, प्रहलाद फागणा अंकल, वही हैं पसंद। जल्दी का तो कोई वो नहीं है, वो लिखते बस इतना बढ़िया है कि पसंद उनके शब्द हाँ अलग ही रहते हैं। कोई गाना उसका याद हो प्रहलाद फागणा का? अभी आया था आपा दोनों जने, जो अपन गाया था फागणा अंकल ने लिखा था, उसी सर का लिखा है। हाँ हाँ, आठ दे उसके दो। जनू एक दूसरे की खातिर बने आपा दोनों जने। ये अभी आया था। क्या बात है भाई, गाओ तो बड़ी है आप। बिगन घरे नु कहा भाई, मैंने देखी सुनी भी है, मिले आप साउ ज्यादा शर्मिला ज्यादा, इसका के रीजन? सही सुनी है, ये रीजन तो इसका नेचुरली बस ज्यादा घुलना मिलना, इतना सोशल नहीं था मैं बचपन से ही, तो यही है बस। या फिर कोई आर्टिस्ट आओ ऐसा तो मैं आपके पापा तो थोड़ा उस करके सर मिले ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नेचर ही ऐसा है, मतलब घर घर में है थोड़ा बहुत खुला हुआ नेचर, बाकी सबके साथ कम ही है शर्मिला सा। मार्गल तो खुल गया भाई। ना अब तो धीरे धीरे काफी मतलब टाइम के अनुसार है, सुधार है। बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कौन सा गाना था मतलब म्यूजिक बनाने में 10 दिन लग गए थे, 15 दिन टाइम ज़्यादा खा गया था? ना ऐसा तो 10 दिन 15 दिन वाला तो कोई गाना नहीं था, बाकी डम्मी तैयार हो जाए एक दिन में गाने की, उसके बाद फिर फाइनल मिक्स हो जाए, मतलब ऐसे चल जाए। एक गाना कितने दिन में तैयार करके दे दियो? एक गाना अगर एक गाने पर कंटिन्यू काम करते रहे तो एक गाना एक दिन में भी तैयार हो जाए, और 2 दिन में भी तैयार हो जाए, मतलब उसके फील के हिसाब से है, फील आ जाए तो के बरा किसी भी टाइम आ जाए, नहीं तो फिर बैठे रहो उस पर थोड़ा रिसर्च करो, कोड बजाओ, कई देर में फील आओ ऐसा। अच्छा, ऐसा को गाना हो अपने दिल तक बनाया हो और वो आर्टिस्ट करके चले गया, दिल तक बनाया म्यूजिक, दोबारा आया कहने का मन पसंद नहीं है तो आपने फिर ना यार ये की है बकवास। ऐसा तो कई बार हो जाए, नए जो बंदे हो नए बंदे बोल तो पाते नहीं, भीतर भीतर पीजो। हाँ कई बार हो जाए। रिसेंटली आया था एक गाना था, कोई अभी आया नहीं वो, बहुत मन अपनी तरफ से मैंने बढ़िया म्यूजिक लगा, बेस्ट मतलब बेस्ट तो के बढ़िया लगा मैंने अपनी तरफ से, अपनी तरफ से बढ़िया। हाँ, और फिर अगला बंदा बोला भाई ये तो बोला इसमें वाइब नहीं आ रही, हमने सोचा कि आप म्यूजिक चेंज करोगे, ऐसा कुछ था वो मैटर, तो ऐसा होता रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और ये अगले बंदे की गलती नहीं है, फोर्स करा ये बढ़िया ये बढ़िया ना, फोर्स उसके से आपसे चलना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो अगले को कह अभी हाँ बढ़िया है म्यूजिक, थोड़ा सांत्वना दी, विश्वास करो, फिर भी किसी के साथ फोर्स क्या कर सकते हैं भाई, के बेरा कहा था अगले ने पैसे जोड़े होंगे तो अगला की भी थोड़ी मन की शांति हो जाए भाई। अच्छा, ऐसा कौन सा सॉन्ग था स्वाद स्वाद दम बनाए रेट हो गया म्यूजिक बना स्वाद स्वाद दम ऐसा? मेरे ख्याल सारे हिट गाने स्वाद स्वाद दम बने हैं। सीरीज़ आड़े भी हो जाए लेकिन स्वाद दाने ज़्यादा हो जाए। एक गाना था सुल्फा गाना था विकास डानियाला भाई के, लो भी इस तरह ही था, वो जल्दी बना दिया था हमने, हिट हुआ। हाँ वो सुना होगा आपने, आधा हमारे माल्टा का सुल्फा का, हाँ विकास डानियाला भाई का गाना था। काफ़ी गाने हैं तो मतलब म्यूजिक तो चीज़ ऐसी है कि स्वाद लेके बनाने की, मजे लेके आनंद लेके बनाने की, तो जब फील आओ। अच्छा, कौन सा मतलब नया भाई आया हो मेरा वर्गा नॉर्मल गाना हुआ है, जब गाना ला गया तो गाना नहीं आया, फिर आपने कहा भाई बेसिक का ही, फिर उन्होंने कहा भाई मैं तो करूँगा ना, ऐसा तो कोई आया नहीं भी करूँगा आनू अंदरों है नए नए जो जिस दिन ही गाना आंदा थोड़ा बहुत आप टाइम दे दो। हाँ जिस जो नू लग गए ना भाई हाँ ये गास का टाइम ले गए उस पर फिर गवा दें, हाँ भाई आप डम्मी दे देते हैं उनको गा के अपनी आवाज़ में, वो प्रैक्टिस करके फिर दोबारा गा देते हैं, या ये लगता है कि भाई नहीं हो पाएगा तो उनको फिर आपको बढ़िया ही सलाह देते हैं कि भाई आप सिंगर चेंज करो तभी फ़ायदा है। ओके, अच्छा बात करा भाई, न्यू भाई है, राइटर भी है, ये सोचा भाई स्टूडियो में लेकर जाऊँ भाई किसी पर रिकॉर्ड करवा देगा, बन सके बात स्टूडियो में लिरिक्स? हाँ लेकर आओ किसी सिंगर पर करवा दो, मतलब आप पे बजट ला लियो, मतलब मेरा नाम आना चाहिए। हाँ ऐसे किए हैं पापा ने किए हैं, ऐसे पापा खुद की आवाज़ में कर लेते हैं। अभी एक गाना भी आया था
ओ मेरा लहंगा चुन्नी ला देना नंद के भी लुंगाड़ा टाइटल से आया था। वो भी नया राइटर था, नया तो राइटर था। उसका अपन ने ही सारा बजट लगाया था, पापा ने ही वीडियो का ऑडियो का अपने ही चैनल पे आया वो। नई बंदे ने सपोर्ट करो। हाँ अच्छे लिरिक्स हों तो बिल्कुल सपोर्ट बनता है। क्या बात, ऐसा ऐसा बढ़िया लगा क्योंकि इंडस्ट्री जुड़ी रहो है, ग्रोथ भी करेगी, नए नए भाई सपोर्ट। अच्छा कितना के बजट लगे म्यूजिक में नॉर्मली? म्यूजिक में म्यूजिक में सबका अपना अलग अलग, अपना जैसे 20,000 है फिलहाल एक ट्रैक का। एक ट्रैक का 20,000? ओके भाई खुल का है गया भाई, तो हम अपने जेब में 20,000 ले आओ, रिकॉर्ड कराओ। बिल्कुल मेहनत करके बढ़िया चीज ट्रैक बढ़िया तैयार करके। उसके बाद म्यूजिक का ऐसा है कि आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। उसमें कोई लाइव इंस्ट्रूमेंट कराना है फिर उसके बढ़ते जाओगे, कोई और चीज करानी, मिक्सिंग करानी बार, तो वो है 30,000 दोगे तो गुड़ मीठा हो जाएगा बढ़िया हो जाएगा ना। अपने ती नहीं देने अपने ती तो फिक्स देने हैं। उसके बाद किसी की रिक्वायरमेंट भाई उसमें लाइव तबला करवाना है, अच्छा डायरेक्ट बातचीत आप अपने थ्रू लिंक दे देंगे भाई हाँ फलाना बंदा है ये है, तो वो अपने आप पेमेंट वगैरह सारी आप। ये नहीं कि आप तो 30,000 दे और बढ़िया करेंगे, 40,000 दे और बढ़िया करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब फिक्स अपना, तो अपना फिक्स है अपनी मेहनत का। वो फिर अगला बंदा जो मेहनत करेगा उसके अंदर अपना टैलेंट दिखा होगा वो उसका है, वो लेगा डायरेक्ट। अच्छा सिंगर बहुत है भाई जी, मतलब आप एक सिंगर के बेटे भी हो। अच्छा मैं मतलब कुछ सिंगर के नाम लेऊंगा, ये आप पे बताए अपना फेवरेट की कौन सा? मेरा फेवरेट सिंगर हरियाणा में तो मेरे पापा ही हैं क्योंकि इसका भी कारण है छोटे छोटे थे जब नू हरदा भाई हाँ हमारे घर के सिंगर है, मेरा पापा खुद सिंगर है, तो बचपन में खूब गाने सुने खूब। कदे स्कूल में गए हो अनु कहा आप भाई खड़े हो पारस, तो मतलब अनु कहा मतलब काम नहीं करे आपने, फिर आपने कहा वो गाना सुने जी बैड बैठ बुला रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है बाकी बापू ना बड़ी नहीं बात ना, ऐसी बात नहीं बनी। अभी गाने गुने सुन लिया करते मास्टर की नज़र में तो रहा करते तो थोड़ा बहुत तो खुद ही सपोर्ट हो जाया करता हो। अरे हरियाणवी गाने सुनो वीडियो देखो, फीमेल में बहुत ज़्यादा मॉडल है। अच्छा आप कोई मान लो सपोज करो एक रोड तक जाओ आप साइकिल आप दो रहे चार मॉडल खड़ी है, ऑप्शन दे लेगा जानी एक। अच्छा अच्छा हाँ साइकिल पे थोड़ी दूर छोड़नी बस। प्रांजल दैया, सपना चौधरी, सोनिका सिंह और अंजलि राघो। उत्तर देना जरूरी है और पब्लिक नब चाहिए भाई आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी, तो इसका उत्तर देना तो मुश्किल है। प्रांजल, सपना, सोनिका, राघो, अंजलि राघो। मैं अंजलि राघव को ले जाना चाहूँगा। अंजलि राघव, चलो दिल की बात बता दी भाई। दिल की बात नहीं है ये, मैंने अलग तरीके से इस क्वेश्चन का सोचा भाई, उनका वेट वाई वाई बताओ उसका यार, वेट के हिसाब से भाई साइकिल चलानी है। हाँ नहीं पतली तो मैम सपना भी है। हाँ वो भी है, सोनिका भी पतली। अजीब सा क्वेश्चन हो गया ये तो, फंसा दिया। अजीब नहीं फंसने वाली कोई बात है, वो दिल की बात भाई, सारे अपने दिल के हैं तो एक हो या करा भाई पब्लिक चाह कर इसे को सवाल करो। देखो आपने एक 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 चुनने को कहा था वो मैंने चुन दिया, भाग मत पूछो। मैं पूछना ना मैं तो नन्नू आप नन्नू कहा नहीं दिल की है, मैंने पूछना का मेरा ये दिल का था ऐसा मैं ना ऐसा कुछ नहीं, रैंडमली बस जवाब, मतलब वेट कम है मेरा, वेट कम। अब इस क्वेश्चन की तो तैयारी तो कुछ थी नहीं, ऐसा भी हो सकता है ये बस रैंडम सा जवाब था। या तीन गेड़े करोगे ना? तीन उनके को लेना हो तुम ना, फिर काम सिर चले जावांगे चढ़ जाने। क्या बात है भाई, बढ़िया जवाब दिया भाई ने। अच्छा भाई आने वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं? आने वाले अभी दो ऑडियो और रेडी कर रखे हैं, लव सॉन्ग ही कर रखे हैं खुद के गाए। हाँ खुद के गाए, तो अभी उनकी तैयारी है। कोई एक जुगाना जो भाई अगला महीना हिट देना हमने, अरे फलाना सिंगर का फलाना मतलब राइटर का गाना मतलब अपने म्यूजिक का। हाँ म्यूजिक जो म्यूजिक तैयार कर, म्यूजिक का है एक गाना है फोक है फीमेल सोलो है और शिवा चौधरी ने गाया है, तो वो है बस उस पर उम्मीद है पूरी बढ़िया अच्छा गाना रेडी हो रहा है। लड्डू टाइटल से है गाना। ओके अच्छा आपने एक आईडी भी बनाया रखी इंस्टा पर, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, नीचे कमेंट देखा छोरी दिल भेजे है तो वो प्रपोज कर रहा है उसका मतलब एक्सेप्ट करोगे दिल तोड़ोगे ना? दिल दिल का मतलब प्रपोज नहीं होता, दिल का मतलब तो वो सीधे भी लिखा है कमेंट ना, ऐसा मैंने नहीं देखा। आपने बस आपने नहीं देखा, हमारी तो नजर रहे ना, मैंने देखा नहीं। लाइफ पार्टनर बनाना चाहो ना? ना ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो ऐसे लिखते थोड़ी ना, लाइफ पार्टनर चूज हुआ है, लाइफ पार्टनर तो करके अपन आप चूज कर लेंगे। मतलब अब भी इस लाइन में मतलब दूर दूर
रहना ही पड़ेगा देखो, अगर फोकस रखना है जब म्यूजिक में तो फिर काम के प्रति। अच्छा भाई, मतलब मॉडलिंग में जो कर आपने भी करया है दिल गाना खुशी के साथ, और कौन सी मॉडल के साथ काम करना चाहोगे? मॉडल के साथ ऐसा हो जिसमें मैं मतलब हाइट मैच, हाँ हाइट भी मैच हो जाए, तो जोड़ी ठीक लगे भाई, वीडियो में ये नहीं लगा कि मेरी एज कम लग रही है और लड़की की ज़्यादा लग रही है, तो ऐसा है, ऐसा नहीं कि कोई स्टार कलाकार के साथ ही करना है या चाहे कोई नहीं हो, मतलब अच्छा यही है वीडियो की पब्लिक देखेगी, पब्लिक ने मजा आना चाहिए भाई, नू लगना चाहिए कि हाँ है, ये नहीं लगना चाहिए कि लड़की बड़ी है लड़का छोटा है ज़्यादा, सेम सेम हाइट सेम सेम हाइट। अच्छा भाई बात करा, हाँ इब नए भाई हैं जो म्यूजिक सीखना चाहे हैं, तो राह नहीं मिल रहा, राह घाट नहीं मिल रहा, तो आप सपोर्ट करो उनती में सिखा दोगे? देखो सिखाने का तो ये है कि टीचर तो आप है नहीं ना इतने भाई बड़े हुए कि सिखा सका किसी ने, बाकी कोई हेल्प हो अपने लायक तो बिल्कुल मैं करा भी करूँ, कोई अपने हैं दो चार भाई लिंक में तो कोई भी हेल्प हो आपस में डिस्कस करते रहो, तो यही सपोर्ट है भाई, किसी भाई ने अगर सीख रहा है कोई सलाह चाहिए कोई मेरे लायक कोई मदद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई भाई मान ले किसी का भी हो तो नहीं म्यूजिक अच्छा हो करना, तो उनको है भाई भाई मैं साथ में आपकी स्टूडियो में काम कर लूँगा, तो उसको रास्ता है। हाँ रास्ता है बिल्कुल, वो भी ट्रैक बना सके यहाँ पे। हाँ वो टैलेंट वाली बात है, टैलेंट होना चाहिए, आगे बढ़ाओ अब तारा का यू स्टूडियो तारी स्टूडियो भाई। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं नीचे नंबर देश को तंग क्रैश को आपने तंग तो क्रैश को नंबर देश को कोई दिक्कत नहीं है, नंबर टाइप दे ना अपने हैं लगभग ऐसा अपना कोई लुकमा छुपा, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग डाल लिया था भाई मेरे पास इतने फोन आए थे भाई बी पार्स की स्टूडियो खड़ा है, मैंने भी तो बोल लिया भी था नंबर दे दे मैंने गाना रिकॉर्ड कराना, मैं लिखूँ मैं म्यूजिक करूँ, तो आज बता दें कुकर मिला है कड़ा मिला है। अपना हाँसी में स्टूडियो है काली देवी चौक के पास, आकर रमन हॉस्पिटल वाली गली पूछ ले उसमें अपना स्टूडियो है, कोई भी प्रॉपर एड्रेस है, ये प्रॉपर एड्रेस ये है हाँसी बस स्टैंड से पहले काली देवी चौक आओ उड़ा उतर के किसी ने पूछ लियो भी पारस की स्टूडियो बिल्कुल आर के करू सॉरी आर के करू रमन हॉस्पिटल वाली गली में आके पूछ आर के करू आर के करू पूछ लो बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, इस तरीके बढ़िया सॉन्ग ले तैयार हो, बेस्ट ऑफ लक न्यू प्रोजेक्ट के लिए और मॉडलिंग के लिए भाई, बहुत बढ़िया मॉडलिंग करी आपने, पैंट कोट बढ़िया लगे तेरा। थैंक यू ओके, तो बहुत बढ़िया लगे आपसे मिलकर, तो लास्ट में क्या मैसेज दोगे यूथ को लोगों का? लास्ट में ये मैसेज है कि भाई सब अपना बढ़िया जिस भी जो भी फील्ड में है बढ़िया अपना काम करो, फोकस रखो अपने काम के प्रति और बस यूँ सपोर्ट करते रहो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, तो वही वीडियो का कौन सा पार्ट बढ़िया लगे नीचे कमेंट कर दियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो देव इजाजत, जय हरियाणा जय हरियाणवी।